हौसले कभी रुकते नहीं, जज्बे कभी ठहरते नहीं, उम्मीदें कभी बुझती नहीं, ख्वाब कभी जलते नहीं। ये कहानी है अशोक की, शहर नागपुर, जिसे राजा बग बुलंद शाह ने बसाया था। लाखों की आबादी वाले इस शहर में चेहरे परछाइयां हैं या परछाइयां चेहरे, हिसाब लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग इस शहर में ऐसे भी हैं जो नूर की तरह रोशन हुए, जिन्होंने साबित कर दिखाया करना चाहो तो क्या नहीं होता। अशोक उन्हीं में से एक है। अशोक अपाहिज है, लेकिन पैरों से, मन से नहीं। वैसे जिंदगी कभी अपाहिज नहीं होती, न थमती है न रुकती, बस बहते रहती है। और जो उम्मीदों का लिबास पहने इसकी उंगली थाम लेता है, उसके लिए हर नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। आकस्मिक एक्सीडेंट में अपना पैर गवा चुके अशोक की वेदना का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही आसान है ये समझना कि मन के जीते जीत है मन के हारे हार। अशोक का लक्ष्य था एवरेस्ट की चोटियों पर तिरंगा लहराना। उसके ख्वाबों में रात दिन एवरेस्ट की दुर्गम घाटियां नजर आती। उसे नजर आता बर्फीली हवाएं उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उन जिद्दी हवाओं से लड़ता झगड़ता आगे बढ़ रहा था। अशोक अपंगता के बावजूद एवरेस्ट के शिखर को छूना चाहता था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल मदद कौन करता। पर अशोक ने हार नहीं मानी। मार्शल आर्ट्स कराटे में वे पहले से ही ट्रेन थे, सो फिर से अभ्यास शुरू किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही अशोक ने साइकिलिंग, बाइक राइडिंग, ड्राइविंग शुरू किया। योगा, ध्यान, प्राणायाम के जरिए मन, शरीर, आत्मा को साधा, अस्थमा जैसी बीमारी को पचाया। अदम्य साहस के बूते अशोक ने वो कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं। अशोक ने अपंगता के बावजूद नेपाल के मेरा शिखर पर भारतीय तिरंगा लहराया। अशोक भारत के पहले अपंग है जिन्होंने शिखर तक का सफर पूरा किया, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर। अशोक एवरेस्ट की चोटी को छूना चाहते हैं, मगर वो यहीं पर नहीं रुकना चाहते। उनके कदम दुनिया की हर चोटी को चूमना चाहते हैं, और यकीनन उम्मीदों से भरा ये युवा अपने लक्ष्य को पाकर रहेगा। तय माने गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। जय हिंद।